हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। आज आपके सामने मैं करने वाली हूँ एक ऑनेस्ट रिव्यू एक प्रोडक्ट का जो मैं यूज़ कर रही हूँ 30 डेज से। वो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव रूट थेरेपी प्लस का अनियन ऑयल एडवांस्ड। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, क्योंकि कुछ टाइम से ना मेरे हेयर फॉल हो रहे थे, तो मैंने सर्च किया कि कोई अच्छा सा अनियन ऑयल मैं देखूँ और उसे यूज़ करूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट दिखाई दिया और इसके बहुत अच्छे रिव्यू हैं। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, हमें मिलती है क्वांटिटी 200 ml। वैसे इस पे तो 999 लिखी है MRP, पर आपको ये 499 में मिल जाएगा। मैंने भी 499 में ही ख़रीदा था। तो गाइस, इस पे जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देती हूँ। ये ऑयल ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इसेंशियल ऑयल्स एंड 37 हर्ब्स। तो इसमें 18 इसेंशियल ऑयल्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई और इसेंशियल ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में आपको और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको इतने इसेंशियल ऑयल मिल रहे हैं, जैसे कि अनियन ऑयल, एर्गन ऑयल, एलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पे काफ़ी सारे ऑयल लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे साइड में फ़ोटो दे दूँगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है और क्लिनिकली अप्रूव्ड है, मेड इन इंडिया है। एंड यहाँ पे लिखा है ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने रिजल्ट बताऊँगी कि इन्होंने जो क्लेम किया है वो सच में है या नहीं। फर्स्ट यहाँ पर है बेनिफिट्स में, इंक्रीजेज हेयर वॉल्यूम। सेकेंड है स्टॉप्स एंड प्रिवेंट्स हेयर लॉस। थर्ड है रिवर्सेस ग्रेइंग ऑफ हेयर। नरिशेस हेयर फॉलिकल्स। इम्पार्ट्स शाइन टू हेयर। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ भी लिखा हुआ है कि आपको कैसे ऑयल यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको ऑयल अपने हेयर में डालना है, उसके बाद जेंटली मसाज करना है स्कैल्प में, और फिर उसे ओवरनाइट तक रखना है। तो अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे हैं तो मिनिमम आप 2 आवर्स तो रखें। इसमें ये 4 पॉइंट लिखा है, वॉश ऑफ विद अ पॉजिटिव अनियन शैम्पू फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो इनका पॉजिटिव अनियन शैम्पू भी मिलता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने वो ट्राई नहीं किया है। ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिया था, लेकिन आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। दोनों के ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में और भी लिखा है जो ये क्लेम करते हैं। यहाँ पे लिखा है इट एनहेंसेज द हेयर ग्रोथ प्रोसेस विद इट्स अमेजिंग एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव अनियन ऑयल एडवांस्ड फाइट्स एवरी नोन स्कैल्प इन्फेक्शन। तो ये स्कैल्प इन्फेक्शन भी ठीक करता है एंड इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग हेयर लॉस एंड ट्रीटिंग पैची बॉल्डनेस। तो ये बॉल्डनेस के लिए भी अच्छा है। एंड गाइज, इस पर लिखा है पैराबिन फ्री भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं इसकी बॉटल की बात। इसकी बॉटल की बात करें तो ऐसी इसकी बॉटल दिखती है, बहुत प्यारी सी पैकेजिंग है। इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसकी MRP जो है, डेट ऑफ एक्सपायरी भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है और साथ में हमें पंप मिलता है, तो लिमिटेड प्रोडक्ट निकलेगा। जैसे आप ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा ही प्रोडक्ट निकलेगा। इस ऑयल का कलर लाइट येलो है। इसकी स्मेल भी गंदी नहीं है। कई बार अनियन ऑयल की इतनी गंदी स्मेल होती है कि आपको हेयर पे लगाने के बाद लगता है कि नहीं यार, अब तो हम लगा के रह ही नहीं सकते, जल्दी से बस वॉश कर लें। ऐसा नहीं है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। आप आराम से ओवरनाइट रखेंगे बालों में तो आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा ये ऑयल। ये मेरे हाथ में थोड़ा सा ऑयल है, वैसे मैंने ऑयल लगा के वॉश किया है। मैं इसे थोड़ा सा अपने बालों में लगा देती हूँ और आप देखिए कि देखिए आप बिल्कुल भी स्टिक ही नहीं लग रहा है। गाइस, इस अनियन ऑयल के साथ मैंने 30 डेज चंपी चैलेंज किया। 30 डेज में होते हैं 4 वीक। मैंने हर वीक में 2 बार चंपी किया इस ऑयल से, और ये ऑयल जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और थोड़ा सा ही अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और फिर ऐसे करके अपने बालों में स्कैल्प में मसाज करेंगे कुछ देर तक।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बाल पहले थोड़े फ्रिजी थे, तो अब मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और मेरे बालों को वॉल्यूम भी बहुत मिला है। मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा हुआ है, तो फिर स्प्लिट एंड्स भी कम हुए हैं। हेयर फॉल में भी काफ़ी कंट्रोल आया, बहुत कम मेरे बाल झड़ते हैं। अब जैसे मैं बाल धोती हूँ या फिर कोम करती हूँ तो बस दो तीन ही निकलते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा निकलते थे। और साथ में मेरे बालों की ग्रोथ भी थोड़ी सी हुई है। इस ऑयल से मेरे हेयर बहुत बाउंसी हो गए हैं, बहुत वॉल्यूम पे मिला है मेरे हेयर को, आप देख सकते हैं। मेरे बालों को वॉल्यूम तो मिला है लेकिन साथ में स्मूथ एंड शाइनी भी हो गया। आप बहुत ऑयल यूज़ करते हैं, वॉश करने के बाद भी आपके हेयर बहुत स्टिकी रहते हैं, चिपचिप रहते हैं, और इस ऑयल को मैंने बहुत बार यूज़ किया और वॉश करने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी नहीं थे मेरे बाल। मेरे बाल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिला, तो ये ऑयल बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी है एंड लाइट वेट है। और इसमें क्वांटिटी आपको इतनी ज़्यादा मिलती है, 200 ml, कितनी बड़ी बॉटल है आप देख सकते हैं, और 499 rupees में, और क्या चाहिए गाइज, और इतना अच्छा रिजल्ट इससे मिल रहा है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेज़ॉन से भी, और इनकी जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं आपको दे दूंगी। मैं अपने चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यू ही देती हूँ, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो नहीं है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट पसंद आता है मैं तभी आपको रिकमेंड करती हूँ। तो ये अनियन ऑयल मुझे बहुत पसंद आया है, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो ये अनियन ऑयल मेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने फादर को, मदर को, अपनी मौसी, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स को, सबको शेयर करें मेरी इस वीडियो को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, बाय।